अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ चंगेज़ी चिकन। इसके लिए एक बाउल में मैंने देखो ये ले लिया है, दही डाल दिया छोटा बाउल भर के। उसमें डालूँगी एक नींबू का रस, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन पेस्ट, एक चम्मच डाल दिया। देखिए, ये सारे मसाले हमें अलग ही मिक्स करने हैं। देखिए, उसमें मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच और नमक स्वाद अनुसार कम डालेंगे, क्योंकि बाद में भी हम थोड़ा डालेंगे। ये काली मिर्च लिए एक चम्मच। देखिए, उसे अच्छे से हिलाएंगे। ये मैंने जीरा लिया है और साबुत धनिए को दोनों को सेक के दरदरा कूट लिया है, वो डाल दूँगी अंदर। और आधा किलो चिकन लिया है, वो भी मैं डाल दूँगी अंदर और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसी मसाले में। ये मसाला परफेक्ट है, उससे ज़्यादा मसाला हम अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। देखिए, ये सारा मैरिनेट हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। देखिए, मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, उसे रख दूँगी ढक के 1 घंटे के लिए। अब मैं नान के लिए आटा गूँध लूँगी। तब तक देखिए, नान के लिए मैंने 500 ग्राम लिया है मैदा, उसमें मैं डालूँगी दही डाल दूँगी। दही डालने के बाद गार्लिक पाउडर लिया, बेकिंग पाउडर लिया है और नमक लिया है थोड़ा। गार्लिक पाउडर आपके पास नहीं है तो आप लहसुन को पीस के वो भी डाल सकते हैं। और ये मैंने 4-5 चम्मच तेल लिए छोटी, वो भी डाल दूँगी अंदर। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी अभी नहीं डालेंगे हम, पानी से नहीं गूंदेंगे, दही से ही गूंदेंगे। और ये आटे को हमें रोटी जैसा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, उससे भी थोड़ा सॉफ्ट हमारा आटा होगा। देखिए, अब मैं थोड़ा पानी डाल के उसे गूंद लूँगी आटे को। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि हमने दही भी डाला है, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। ये देखिए, मैंने आटा एकदम सॉफ्ट गूंद के रख दिया है, उसे मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए। ये मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लिया है, उसमें मैं दालचीनी का टुकड़ा, जीरा और 4-5 लवंग डालूँगी, वो तेल में डाल देंगे हम। देखिए, बस इतना ही गरम मसाला भी जाएगा। और इसमें मैं डाल दूँगी 8-10 काजू डाल दूँगी, उसे हम सौते करेंगे दोनों को। देखिए, उसके बाद मैं डाल दूँगी अंदर 2 प्याज डालूँगी, 2 हरी मिर्ची डालूँगी काट के। उसे हम तेल में अच्छे से सॉफ्ट होने तक हिलाते रहेंगे। और उसके बाद मैं डाल दूँगी 1 टमाटर कटा हुआ। देखिए, हम उसमें नमक नहीं डालेंगे। देखिए, ये सॉफ्ट हो चुका है, गैस की फ्लेम बंद कर दी। और ये मैं साइड में निकाल दूँगी एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। सारा निकाल लिया अंदर से। और उसे मैं रख दूँगी साइड पे ठंडा होने के लिए। ये ठंडा होगा। देखिए, उसके बाद मैंने वही कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के गरम करा है और उसमें जो मैरिनेट चिकन हमारा हो चुका है और ये मैंने पीस लिया है मसाला ठंडा होने के बाद। और ये मैंने लिए है बारीक कुटी हुई लाल मिर्चें लिए और आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है, वो डालूँगी अभी। देखिए, चिकन डाल दूँगी अंदर। अगर आपने रात को मैरिनेट करके चिकन रख देंगे तो आप 5 से 7 मिनट पकाना है खुला ही छोड़ के। और अगर 1 घंटा आपने मैरिनेट किया है, ये देखिए, इलायची पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दूँगी अंदर और ये मैंने पिसा हुआ मसाला बाद में डालूँगी, अभी नहीं डालेंगे। और उसे हम ढक देंगे 10-15 मिनट के लिए। तब तक मैं रायता बनाती हूँ। रायता बनाने के लिए दही ले लिया है, दही को फेंट के धनिया पत्ती डाल दी, ये बूंदी डाली अंदर। देखिए, बूंदी डालने से थोड़ा हम दही में थोड़ा पानी रखेंगे। ये जीरा डाल दिया है भुना हुआ, ये लाल मिर्चे और ये नमक,
ये डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप रायता ज़रूर बनाएं। और राई हींग से बघार कर लूँगी। देखिए मेरा चिकन अच्छे से गल चुका है, उसे हम खुला ही पकाएंगे। देखिए ये मैंने पिसा हुआ मसाला, वो भी अंदर डाल दूँगी। अब उसे हम ढक के नहीं पकाएंगे, इसे खुला ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए ये हमारा मसाला गाढ़ा हो चुका है, तभी मैं डालूँगी इसमें क्रीम, एक बाउल। क्रीम आपके पास नहीं तो आप जाट मलाई लेके मलाई को फेंट के वो भी डाल दीजिए, नहीं है तो क्रीम डालेंगे तो अच्छी बनेगी बहुत ही। देखिए अब उसे हम स्लो कर देंगे, साइड में से तेल छूटने लगा है। देखिए तेल सारा छूटेगा, देखिए कितनी अच्छी लज्जतदार बनी है। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही रिच बनी है। और इसे मैं ढक दूँगी, गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी। देखिए ये हमारा आटा एकदम सॉफ्ट है। देखिए उसके मैं नान बना लूँगी। ये आटा एकदम सॉफ्ट हमें गूंदना है। देखिए इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच दूध के अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। ये धनिया पत्ती ली है और गैस की फ्लेम ऑन कर दी, तवा रख के। अब देखिए मैं नान बनाती हूँ। नान के लिए हमें थोड़ी मोटी रोटी बेलेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। देखिए अब उस पर मैं लगा दूंगी, ये पानी लगा दूंगी, मिल्क का जो घोल बना है वो लगा दूंगी, अच्छे से लगाऊंगी। और उस पर मैं धनिया पत्ती डाल दूंगी ताकि वो चिपक जाए अच्छे से। बहुत ही अच्छा लगता है ये नान, गार्लिक पाउडर से ये ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आप ज़रूर ट्राई करें। गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और ये देखिए ये हम चिपका देंगे। थोड़ा सा सीखने के बाद एक दो मिनट उसको हम पलटा देंगे और स्लो मीडियम करते हुए इसे हम सेकेंगे नान को। देखिए ये नान हमारे सीख रहे हैं अच्छे से। आप चाहे तो पराठों के साथ भी बना सकते हैं इसे, लेकिन ये नान के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए हमारा नान रेडी है, उस पर अब मैं घी लगा लूँगी, बटर भी लगा सकते हैं आप। देखिए इस तरह से मैं सारे नान बना लूँगी। देखिए ये मेरे सारे नान बन चुके हैं, रायता रेडी और चंगेज़ी चिकन रेडी है। देखिए कितनी लज्जतदार टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, देखिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।